अगर आपने पनीर भुर्जी में ये दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल दिए तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पनीर भुर्जी में चार चांद लग जाएंगे। तो इस पनीर भुर्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और इस पनीर को मैं इस तरह से स्क्रैम्बल कर रहा हूँ। आप चाहो तो पनीर को ग्रेट करके डालोगे तो भी चलेगा। अब पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच बटर। हो सके तो आप भी पनीर भुर्जी को बटर में ही बनाइएगा, उसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और अब ये बटर जल ना जाए इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल। जब ये बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और एकदम ही गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। और इस जीरा को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती। इस जीरा में से अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कट के अनियन यानी कि प्याज। और इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्के से सुनहरे यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज को हमें बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो जब प्याज हल्के से सुनहरे हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसी के साथ इसमें जाएगी 2 से 3 बारीक कट की ग्रीन चिली यानी कि हरे मिर्च। आपको इस पनीर भुर्जी को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप हरे मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब हमें इस अदरक लहसुन और हरे मिर्च को 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। ये जो पनीर भुर्जी है ये बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब अदरक लहसुन और हरे मिर्च भुन जाए तब आपको इसमें ऐड करना है 2 टमाटर और इस टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये एकदम ही सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये जो टमाटर है ये फटाफट से सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। पनीर भुर्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है क्योंकि जो पनीर होता है वो काफ़ी फीका होता है। चलिए हमारे जो टमाटर है एकदम ही सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे क्योंकि अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। तो इस पनीर भुर्जी में हम सिर्फ 3 मसाले ऐड करेंगे। पहले इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस पनीर भुर्जी को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम इसमें एक बहुत ही खास मसाला ऐड करेंगे और वो है पाव भाजी मसाला। यकीन मानो इसमें पाव भाजी मसाला डालने से इस पनीर भुर्जी में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये मैंने घर का बनाया हुआ पाव भाजी मसाला इस्तेमाल किया हुआ है और घर पर पाव भाजी मसाला कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये काफ़ी फटाफट से बन जाता है। तो घर पर पाव भाजी मसाला बनाने के लिए आपको एक पैन लेना है और इसको आप हल्का सा गर्म होने दीजिए। और फिर जब पैन गर्म हो जाए तब आपको इसमें डालना है 4 बड़ी चम्मच साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स। इससे ज़्यादा इन कोरिएंडर सीड्स का इस्तेमाल मत करेगा वरना इसका जो टेस्ट है वो ओवर पावर कर जाएगा, यानी आपका जो पाव भाजी का मसाला है उसमें आपको इसी का ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और 1/2 बड़ी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। अब हमें इसको अच्छे से सेकना है तो इसको आप मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए सेकिए या आपको इसको तब तक सेकना है जब तक इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू आने नहीं लगती। इनको हाई फ्लेम पर मत सेकना वरना ये कहीं से जल सकता है और फिर आपके जो पाव भाजी मसाले का टेस्ट है वो भी काफ़ी बिगड़ जाएगा। ये जो पाव भाजी मसाला हम बना रहे हैं इसको बनाने के लिए जो भी खड़े मसाले हमको लगेंगे ये ऑलमोस्ट हर किसी के घर में होते ही है और यदि इनमें से 1-2 मसाले आपके पास ना हो तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो अगली बार से मार्केट का रेडीमेड पाव भाजी मसाला लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही बहुत ही आसानी से इस मसाले को बना सकते हो। और आपको और कौन से मसाले की रेसिपीज़ देखनी है, छोले का मसाला देखना है या सांभार मसाला देखना है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब ये एक बार अच्छे से सेक जाए और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब आप उसको एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसको आप ठंडा होने दीजिए। अब उसी पैन में आपको लेना है 15 से 20 ड्राई रेड चिलीज यानी कि सूखे लाल मिर्च। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच काले मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। इससे ज़्यादा काले मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है आपको वरना आपकी जो पाव भाजी मसाले का जो रंग है वो थोड़ा सा काला आएगा। इसी के साथ इसमें जाएगी 2 छोटी दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक, 1 बड़ी इलायची जिसको हम काली इलायची भी कहते हैं, 5 से 6 क्लोव्स यानी कि लौंग और 1 बे लीफ यानी कि तेज पत्ता को हमें तोड़कर इसमें ऐड करना है। अब इन सभी को हमें मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए सेकना है। ये जो लाल मिर्च है और बाकी सारे खड़े मसाले हैं इनको सेकने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये भी अच्छे से सेक जाए तो इसको भी आप प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसको आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब ये सारे खड़े मसाले एक बार ठंडे हो जाए तब आपको इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करना है।
और अब इसी के साथ हमें इसमें कुछ और भी मसाले डालने हैं। तो पहले इसमें जाएगा एक छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच नमक। अब बस हमें इन सभी चीज़ों को एकदम ही अच्छे से ग्राइंड करना है और इसका एकदम ही बारीक पाउडर आपको रेडी करना है। चलिए इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब ये जो पाव भाजी मसाला है ये रेडी हो चुका है। अब इन सारे मसालों को हम एक से दो मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। चलिए मसाले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो अब जो पनीर को हमने स्क्रैम्बल करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे और बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। अब इसको ढककर हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो पनीर है वो सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर आ जाए। लेकिन आप इसको बीच बीच में चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। तकरीबन 3 मिनट हो चुकी है और ये जो हमारी पनीर भुर्जी है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे कि इस पनीर भुर्जी में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और वो है कसूरी मेथी। तो मैंने 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया हुआ है और इस कसूरी मेथी को हम हाथों में रख कर क्रश करके ऐड करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि घर पर कसूरी मेथी कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगा। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया और बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। तो लीजिए हमारी एक गर्मा गर्म और बहुत ही डिलीशियस पनीर भुर्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं और इस पनीर भुर्जी को आप पाव के साथ खा सकते हो, ब्रेड के साथ खा सकते हो या फिर चपाती या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये पनीर भुर्जी की रेसिपी? अब हम एक और बढ़िया सी रेसिपी बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही आसान है। हर रोज वही एक की एक सब्जी खाकर अगर आप भी बोर हो चुके हो तो ये रेसिपी आपको बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं वेज खीमा। और अगर आप ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो वेज खीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 1 कप सोया चंक्स, जिसको हम सोया वड़ी भी कहते हैं। ये जो सोया चंक्स है ये आपको किसी ग्रोसरी स्टोर में से आसानी से मिल जाएंगे। ये जो सोया चंक्स या सोया वड़ी है इसमें आपको उतना प्रोटीन मिलता है जितना आपको मीट में से मिलता है। तो अगर आप भी मेरी ही तरह एक वेजिटेरियन हो तो ये जो सोया वड़ी है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये सोया वड़ी काफ़ी हार्ड होती है तो इसीलिए उसको सॉफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको सॉफ्ट करने के लिए हम एक पतीले में या फिर एक कढ़ाई में 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और उस पानी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। पानी में जब एक बार उबाल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और अब इसमें जाएगा 1 कप सोया वड़ी। अब इन सोया वड़ी को आपको हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए उबालना है ताकि ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है और ये जो सोया वड़ी है ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आप इसे बाहर निकाल लीजिए और इसको पानी में एक बार अच्छे से वॉश करिए। फिर आप इन्हें इस प्रकार से एक प्लेट में फैला लीजिए ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। और जब ये एक बार अच्छे से ठंडा हो जाए तब आपको इसमें से सारा पानी निकालना है। अगर ये जो सोया वड़ी है इसमें पानी रह जाएगा तो जब आप इसको पीसोगे तो उसकी पेस्ट बन जाएगी और इससे जो वेज खीमा हम बना रहे हैं उसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इन सोया वड़ी में से आप सारा पानी अच्छे से निकाल लें। इसमें से पानी निकालने के बाद आपको इन्हें एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करना है और फिर हमें इसको ग्राइंड करना है। लेकिन आप इसको लगातार ग्राइंड मत करिएगा वरना इसकी पेस्ट बन सकती है। तो इसलिए मिक्सी को आपको चालू बंद करके इसको पीसना है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो सोया वड़ी है ये मिक्सी में डालने के बाद इसकी पेस्ट बन रही है तो आप क्या कर सकते हो कि इनको एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट भी कर सकते हो। सभी सोया वड़ी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में हम देंगे 3 से 4 बड़ी चम्मच बटर। बटर के बजाय आप घी का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो वेज खीमा है इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर ज़्यादा बटर का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप कम बटर या घी का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और इस जीरा को हम अच्छे से भूनेंगे। जीरा जब अच्छे से भून जाए और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब हमें यहाँ पर इसमें डालना है 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ और इनको मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। इसी के साथ मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक और इस अदरक को मैंने इस प्रकार से लंबा लंबा कट किया हुआ है। और फिर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 3 से 4 हरे मिर्च और इन्हें मैंने बीच में से इस प्रकार से स्लिट कर लिया था।
इस रेसिपी में आपको अदरक, लहसुन और हरे मिर्च को इस प्रकार से साबुत ही रखना है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको इसमें अदरक, लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इन तीनों को हम तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो अदरक, लहसुन और हरे मिर्च का कच्चापन है वो चला जाए। जब ये एक बार अच्छे से भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने तकरीबन 2 प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है जिसको मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। और आप चाहो तो इसमें इस वक्त थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हो ताकि ये जो प्याज है ये फटाफट से कुक हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो प्याज है ये काफी ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ आधा शिमला मिर्च की कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी हम तब तक पकाएंगे जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता और उसका जो तो कलर है वो भी चेंज नहीं हो जाता। कैप्सिकम भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें जाएंगे 2 टमाटर। टमाटर के बजाय आप टमाटर की प्यूरी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इस टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक एकदम ही सॉफ्ट नहीं हो जाता और पूरा गल नहीं जाता। ये जो टमाटर है ये फटाफट से कुक हो जाए इसलिए इस वक्त मैं इसमें नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने तकरीबन 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब बस हम इसे ढक कर पकाएंगे ताकि ये फटाफट से कुक हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो टमाटर है ये अच्छे से पक चुका है और अब ये काफी सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब बारी आती है इसमें कुछ मसाले डालने की। तो यहाँ पर गैस को स्लो कर लीजिए ताकि ये जल ना जाए। तो मसालों में पहले यहाँ पर जाएगा 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये उतना तीखा नहीं होता, इससे बस यहाँ पर जो वेज कीमा का कलर है वो काफी बढ़िया आएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमन पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1/4 टीस्पून चाट मसाला। इससे ज्यादा चाट मसाले का इस्तेमाल मत करेगा वरना फिर ये जो वेज कीमा है ये कुछ ज्यादा ही चटपटा बन जाएगा। और अब जो सबसे मेन मसाला है वो है पाव भाजी मसाला। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल किया हुआ है। यदि आपके पास पाव भाजी मसाला अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस इन मसालों को हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। जब मसाले एक बार अच्छे से पक जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसको मिक्स करते रहिए और जरूरत के अनुसार आप पानी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। ये जो सोया वड़ी है ये थोड़े से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसी के अनुसार यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करें। चलिए अब जो सोया वड़ी को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो इस समय इसी के साथ थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर भी डाल सकते हो। वेज कीमा जो है ये काफी अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। कुछ लोग इसमें गाजर, मटर और आलू भी डालते हैं तो आप चाहो तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस हमें इन सभी को अच्छे से एक बार मिक्स करना है। इसमें सोया वड़ी डालने के बाद आपको गैस को स्लो कर देना है और इसे आप लगातार 10 मिनट के लिए पकाइए। ऐसा करने से जो भी मसाले का फ्लेवर है वो इस सोया वड़ी में अच्छे से घुल मिल जाएगा। 10 मिनट हो चुकी है तो सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। और इसी के साथ सबसे आखिर में जाएगा थोड़ा सा बटर। बस इन सभी को हम कर लेते हैं मिक्स। और यहाँ पर जो वेज कीमा है ये बनकर रेडी हो चुका है। वेज कीमा को अक्सर पाव के साथ सर्व किया जाता है तो इसीलिए हम एक तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और धनिया डाल रहा हूँ। आप चाहो तो इसको और तीखा बनाने के लिए इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर इसके ऊपर पाव को रख के इसे हमें अच्छे से सेकना है। चलिए पाव भी अच्छे से सेक चुके हैं तो अब हम इसको सर्व करेंगे। ये जो वेज कीमा हमने बनाया है ये बनाने में जितना आसान है उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। तो अब इसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और फिर इसको गार्निश करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। तो कैसी लगी आपको ये वेज कीमा की रेसिपी?